हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी जो झटपट तैयार भी हो जाती है। बट उससे पहले, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले कुकर में एक चम्मच देसी घी लेना है और यहाँ मैं उड़द दाल की बड़ी ले रही हूँ जिसे हमें हल्का सा भूनना है। तो उड़द दाल की बड़ियाँ ऐसी बड़ी बड़ी भी आती हैं तो मैं उसके टुकड़े कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी छोटी बड़ी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इनको हमें घी में 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है और भूनने के बाद इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। अच्छा, मैं ये रेसिपी कुकर में बनाती हूँ। अगर आपको कढ़ाई में बनानी है तो आप इस बना सकते हैं, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब इसी कुकर में थोड़ा तेल लेना है, उसमें डालें 1 चम्मच जीरा और 1 बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है। जब प्याज भुन जाए तो इसमें डालें टमाटर और थोड़ा सा अदरक। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर की प्यूरी ली है और इसे भी अच्छे से भून लें। अब अपने सारे मसाले डालने हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च। आपको मिर्च ज़्यादा चाहिए तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और फिर इस मसाले को भी भून लें। अब मैंने यहाँ 2 आलू को चकोर काट कर डाला है और साथ ही अपनी वड़ी भी डाली है और इन्हें अच्छे से मिला लें। फिर इसमें पानी डालें और कुकर को बंद करके 2 सीटी लगानी है। स्टीम को अपने आप ही रिलीज होने दें और फिर ही कुकर खोलें। और बस तैयार है आपकी बहुत ही टेस्टी उड़द दाल वड़ी की रेसिपी। इसे गार्निश करें हरे धनिए से और मज़े से सबको खिलाएं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, ये बहुत ही बढ़िया बनती है। हम इसे चावल के साथ खाते हैं, ये रोटी के साथ भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। इसे ज़रूर ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।